गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं पॉलीनोमियल्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 ऑन टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल। बच्चों आज हम लोग जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन रिलेशनशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर हम लोग जो पॉलीनोमियल्स का रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में निकालने वाले हैं उसमें हम लोग थ्री लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले इन तीनों का जनरल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि लीनियर जो पॉलीनोमियल्स होता है, इस लीनियर पॉलीनोमियल्स का जनरल फॉर्म हम लोगों का ax प्लस बी होता है, लीनियर पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग राइट कर सकते हैं वेयर ए बी आर एनी रियल नंबर। ओके, ये हम लोग का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड वेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री शुड नॉट बी जीरो। ये आपको याद रखना है कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री आपका कितना है, x का 1 है, यही आपका इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, सेकंड हम लोग का जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। सेम इसी तरह से यहां पर भी आपका ए बी सी जो है वो क्या होंगे, ये आपके रियल नंबर होंगे और इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो आपका 2 है और इसका कोफिशिएंट ए है। तो यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर का वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और थर्ड हम लोगों का क्यूबिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग राइट करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी, वेयर ए बी C and D all are real numbers। ये आपको याद रखना है कि all are real numbers, ये आपके real number हैं। And the highest degree जो होंगे उसका coefficient कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये आपके 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ coefficient आपको कितना है, A है। ये आपको याद रखना है, ये सारे standard form लोग याद रखना है। इन सभी का हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बिटवीन हम लोग जो है इन सारे का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर पॉलीनोमियल्स क्या होता है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप इससे पहले वाला वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलीनोमियल्स में हम लोग जनरल फॉर्म में अभी पढ़े कि लीनियर पॉलीनोमियल इज ए एक्स प्लस बी, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी आपके रियल नंबर्स है। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि यहाँ पर जो कोफिशियंट होंगे एक्स का, क्योंकि यहाँ लीनियर है तो डिग्री यहाँ पर 1 है हाइस्ट डिग्री, तो यहाँ पर ये आपके कोफिशियंट जो है वो आपके 0 नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलीनोमियल्स का। बट हम लोग को तो रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो उससे पहले हम लोग ये जो ए एक्स प्लस बी है इसका हम लोग जीरोस फाइंड आउट करते हैं, इसका जीरोस क्या है। तो जीरो ऑफ पॉलीनोमियल हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में निकाला था कि इसका जीरोस कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपका ये जो लीनियर पॉलीनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस लीनियर पॉलीनोमियल्स को मैंने यहां पर पी एक्स सपोज किया। ठीक है, आप एफ एक्स भी राइट कर सकते हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो ऑफ द बाय जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल्स क्या होगा, ये जो पी एक्स है ये आपके जीरो हो जाएंगे। तो पी एक्स जीरो होने पर क्या हो जाएंगे, पी एक्स आपके हैं ए एक्स प्लस बी, ये भी आपके जीरो हो जाएंगे। इससे क्या होगा,
ए एक्स इज इक्वल टू आपके माइनस बी होंगे, तो एक्स का जो वैल्यू है वो आपका माइनस बी बाई ए आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोगों का देयरफॉर क्या आएगा, मैं ये इंप्लाइज देना कंपलसरी है इसलिए मैंने दिया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए क्या है, अगर मैं इसे राइट करूं तो इसको आप राइट कर सकते हैं कि देयरफॉर माइनस बी बाई ए इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, इस जो पी एक्स है इस पी एक्स का क्या है जीरो है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लिनियर पॉलिनोमियल्स का जितना भी डिग्री होगा, किसी भी पॉलिनोमियल्स का जितना भी डिग्री होगा नंबर ऑफ जीरोज आपके उतने ही होंगे। यहाँ पर डिग्री वन है इसलिए जीरोज ओनली वन होंगे माइनस बी बाई ए। ठीक है बच्चों, और लिनियर पॉलिनोमियल्स में ओनली वन ही जीरोज होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका डिटेल्स मैंने पहले ही अपने चैनल में वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पर जाके वो पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल्स में मैंने एक पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स एंड माइनस सेवन, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया और इसको हम लोगों को क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसका अगर जीरोस फाइंड आउट हम लोग करें तो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो राइट कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए जीरो पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग पी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, तो सिक्स एक्स माइनस सेवन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन, तो एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई सिक्स आएगा। अब जीरोज एंड कोफिशियंट का जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पर आपको शो करना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पर ये माइनस बी बाई ए है इसको मैं किस तरह से राइट करता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो b टर्म आप देख रहे हैं यहां पर, जो ये आपका जो b है, इस b को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। और ये जो x है ये आपके वेरिएबल है, इसके कोफिशियंट a है। तो ये जो a है ओनली a, ठीक है ध्यान से देखिएगा, ये जो a है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको राइट कर सकते हैं कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स, मैं राइट कर सकता हूं। इसी चीज को मैं यहां राइट कर देता हूं, माइनस बी, बी आपके क्या है कॉन्स्टेंट है, तो यहां पर राइट कर देता हूं बी को यहां पर कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, और जो ए है ए को यहां पर क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो यहां पर कोफिशियंट ऑफ एक्स हो जाएगा, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स हो गया। तो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ ए लिनियर पॉलिनोमियल हम लोगों को फाइनली क्या मिला, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इज अ जीरो एंड कॉन्स्टेंट एंड कोफिशियंट ऑफ द एक्स, ये आपके ये जो आपके लिनियर पॉलिनोमियल है इसी के तो कोफिशियंट है पॉलिनोमियल्स के। तो बी यहाँ पर हम लोगों का क्या है कॉन्स्टेंट है और ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन मिला, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स, यही रिलेशन है हम लोगों का जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसी एग्जांपल को इस रिलेशन में मैं शो करता हूँ। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो सेवन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो ये जो सेवन है इस सेवन पे देखिए नेगेटिव साइन है, ये देखिए माइनस आ गया, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ये आपके कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। और बाय यहाँ पर सिक्स है और सिक्स ये आपके ए है, तो देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स ये हो गया कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है। और इसको अगर माइनस बी बाई ए में रखो तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको कंपेयर कीजिए ए एक्स प्लस बी से, तो कंपेयर करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कंपेयर करने से हम लोगों को क्या मिलता है उसको मैं अभी दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो सिक्स है आप कंपेयर कीजिए इस ए से, तो ए का वैल्यू आपका सिक्स है और इस बी को आप कंपेयर कीजिए, इस बी को है ना सेवन से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पर माइनस सेवन आ रहा है बी का वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने जो राइट किया है माइनस बी बाई ए, यहाँ पर माइनस बी बाई ए जो मैंने राइट किया है
तो अगर मैं इसको यहाँ पर माइनस डी बाई ए राइट करूं और इसका वैल्यू जो गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट करूं तो आपको क्या मिलेगा, इसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो देखिए माइनस और बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस सेवन मिला आपका। यहाँ पर ध्यान से राइट कीजिएगा, ए आपके सिक्स है और बी आपके माइनस सेवन, तो बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस सेवन सब्स्टिट्यूट किया और ए का वैल्यू यहाँ पर सिक्स, तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखिए यहाँ पर सेवन बाई सिक्स मिला, यही तो सेवन बाई सिक्स आया। तो इस तरह से ये रिलेशन हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जीरो ऑफ द लीनियर पॉलीनोमियल अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छा लगा ये कंटेंट लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन ज्यादा मिलता है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए लीनियर पॉलीनोमियल हुज जीरो इज अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों, ये क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका जीरोस जो है ना वो गिवेन है, ठीक है बच्चों, सपोज कीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू आपका फाइव गिवेन है, आपको क्या बनाना है, लीनियर पॉलीनोमियल बनाना। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं एलई लीनियर पॉलीनोमियल, एलई नहीं एल पी कर देता हूं, ठीक है, लीनियर पॉलीनोमियल शॉर्ट में मैंने, तो लीनियर पॉलीनोमियल को यहां पर हम लोग क्या राइट करेंगे, एक्स माइनस अल्फा है तो आया भर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए एक्स माइनस फाइव, तो ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल बन गया एक्स माइनस फाइव। अब सपोज कीजिए यहाँ पर अल्फा आपका जो है वो सेवन बाई फोर है, तब यहाँ पर आपका जो लीनियर पॉलीनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस सेवन बाई फोर, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं, फोर एक्स माइनस सेवन भी आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पॉलीनोमियल जीरो आपका पॉलीनोमियल होता है लीनियर पॉलीनोमियल चाहे कोई भी पॉलीनोमियल्स का, उसका वैल्यू आपका जीरो होता है, इसीलिए उस कंडीशन से आपका यहाँ पर जो डिनोमिनेटर फोर है इक्वल टू जीरो करने पर वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसको आप ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक्स माइनस सेवन बाई फोर को हम लोग इस तरह भी राइट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई इस तरह का कोई डाउट हो। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू है, ठीक है बच्चों, तब आप लोगों का जो लीनियर पॉलीनोमियल हम लोगों का बनेगा क्या बनेगा, एक्स माइनस और अल्फा का वैल्यू आपका माइनस थ्री बाई टू है, हम लोगों को एक्स प्लस थ्री बाई टू बना। तो इस चीज को भी ध्यान देना है कि यहाँ जब हम लोगों का जो जीरो गिवन है अगर वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जैसे देखिए ये पॉजिटिव है तो यहाँ आपका नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो देखिए यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, इस चीज को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसको हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं, टू एक्स प्लस थ्री भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल हुज जीरोस इज अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा, और इसका मैंने कुछ एग्जांपल भी दिया। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर हम लोग ऑल लीनियर पॉलीनोमियल्स हुज जीरोस इज अल्फा आर के इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर मीन्स जिसमें जीरो नेगेटिव ये सारा चीज नहीं होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं बट जीरोज नहीं होंगे उसमें, उन वो रियल नंबर जिसमें जीरोज आपके नहीं है, बाद बाकी सारा नंबर है ना, वो आपके हो जाएंगे क्या, नॉन जीरो रियल नंबर। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में नेगेटिव भी है, इधर आपके नेगेटिव भी है, ठीक है, ये आपके माइनस इन्फिनिटी तक है और आपका पॉजिटिव भी, ये प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन यहाँ पर ये जो जीरोज है वो नहीं है, ठीक है, ये जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर। आई होप आपको ये पूरा अच्छा सा समझ में आ गया होगा कि इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर को हम लोग इस तरह से लेंगे। तो एग्जांपल देके मैं अगर समझाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फा का वैल्यू अगर थ्री बाय फाइव हम लोगों ने लिया, तो यहाँ पर आपका जो लीनियर पॉलीनोमियल्स आपके होंगे वो किस तरह से होंगे, एक्स माइनस थ्री बाय फाइव होंगे, ठीक है बच्चों, ये इस तरह से होंगे। और यहाँ पर इसको हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 5x माइनस 3 बाय 5। अब इसको यहाँ पर हम लोग अगर इस तरह से राइट करें, देखिए ध्यान से, ये इस तरह से राइट करें, तो ये जो 1 बाय 5 हम लोगों को मिला यही मेरा k है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर इस तरह से राइट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं k इज इक्वल टू 1 बाय 5, ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका के जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर आ गया, और 5x माइनस 3 जो है यही हम लोग का पॉलिनोमियल हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग का मैं पीछे आ जा, हाँ अब यहां पर एग्जांपल मैंने तो दे दिया यहां पर, तो अब नेक्स्ट यहां पर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म हम लोगों ने यहाँ पर अभी पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स एन प्लस सी, ये हम लोगों के जनरल फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ए बी सी आपके रियल नंबर है, ठीक है बच्चों, और आपका जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है ये हम लोगों के जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये जो c है इसको हम लोग क्या कहें, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कहें। ये जो b है इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कहेंगे, और यहाँ पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। ये याद रखना जरूरी है, इसी से आपका रिलेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूविंग इसका आता नहीं है, जनरलाइज जो भी आपका फॉर्म है उसके आते नहीं है, इसलिए कुछ एग्जांपल से हम लोग इसको शो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कंसिडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, लेट अस फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 में इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर किया होगा, इस तरह से बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म मेरा कितना है, 8 है, ठीक है, इसको स्प्लिट इस तरह से करना है कि यहाँ पर 2 और 6 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पी और क्यू ले लू, यहाँ पर ये सपोज किया ये पी है और ये आपका क्यू है, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलता है जब इसको हम लोग प्लस या फिर माइनस करके रिजल्ट जो है वो मिडिल टर्म हम लोग का, जैसे माइनस 8 है ये माइनस 8 है, पी और क्यू का एक ऐसा वैल्यू जिसका इन दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, और इन दोनों को या तो प्लस करके या फिर माइनस करके हम लोग का रिजल्ट माइनस 8 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से, पी और क्यू का एक ऐसा वैल्यू जिसका प्रोडक्ट 12 होगा, और पी और क्यू जो है उन दोनों को प्लस और माइनस करके हम लोगों का इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, माइनस 8 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि पी और क्यू का ऐसा क्या वैल्यू हम लोग ले, उसके लिए एक सिंपल है हम लोग जो यूज करते हैं, अगर बड़ा डिग्री तो छोटा है, अभी तो मैं इसको इजी से कर सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूं। अब इस 12 को आप क्या कीजिए ना, इसको इस तरह से रिमूव कर, 2 और 6 पहला फैक्टर हम लोग को 2 और 6 मिला जो कि यहाँ पर भी। अब इस 2 और 6 को अगर मैं ऐड करूं तो 8 आएगा, और अगर माइनस करूं तो क्या 8 आएगा, तो 2 और 6 को ऐड करने से 8 आ रहा है, और 2 और 6 को अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पर माइनस 4 आ रहा है, तो ये वाला पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये पॉसिबल है, बट यहाँ पर तो आपका रिजल्ट माइनस में आया है, तो माइनस में आने से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 2 और माइनस 6 यूज करेंगे, तो यहाँ पर दोनों आपको माइनस 8 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 6x एंड प्लस 6 हम लोग राइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग हम लोग कर सकते हैं, ये क्लास 9 में आप लोग अच्छा से पढ़ा होगा। अब यहाँ पर 2x में अगर कॉमन ले लू तो यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया एंड माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब इसी टर्म को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर राइट कर लेते हैं x माइनस 1। अब यहाँ पर हम लोग इसका तो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर इसको करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस दे दीजिए। ठीक है, और ये x देखिए मैच कर रहा है, इस 6 को यहाँ पर राइट कर दीजिए, ये इजी ट्रिक।
तो यह होगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये टर्म मिलेगा आपको माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस सिक्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को यहां पर टू एक्स माइनस सिक्स एंड एक्स माइनस वन ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला। अब यहां पर क्या कीजिए, इस टू को कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस वन फाइनली हमको क्या मिला, टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, ये हम लोगों का टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स का फैक्टर मिला। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम इसको सपोज कर ले, यहां पर ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको हम लोग सपोज कर लें कि पी एक्स ये पॉलिनोमियल जो है वो पी एक्स है, सपोज चेक करें यहां तो गिवन है, ठीक है पी एक्स जो है वो हम लोगों का ये गिवन है कि टू एक्स माइनस एट एक्स प्लस सिक्स है, और अगर इसका मैं जीरो फाइंड आउट करूं तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग पी एक्स को हम लोग जीरो कर लें, ठीक है ना, तो जीरो करने पे हम लोग क्या होगा, टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, टू तो आपके यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना मिलेगा, एक थ्री मिलेगा और एक वन मिलेगा। नहीं आई समझ में? ठीक है, मैं इसको यहां पर समझाता हूं। अब यहां से देखिए, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन इक्वल टू आप जीरो राइट कर सकते हैं, टू तो आपका जीरो हो गया, तो आप क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पर, आइदर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू अगर इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन हो गया। तो इस तरह से आपको जो जीरो मिले वो कितना मिले, थ्री और वन, ये चीज तो मैंने यहाँ लिखा है। ये सारा काम आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में बहुत अच्छा से किया होगा, अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार फिर से उसको जरूर कीजिए, और अगर इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बहुत अच्छा से सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका ये तो इतना तो समझ में आ गया, इसके लिए इसको जनरलाइज करके मैं आपको बताऊं तो देखिए हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग अगर इस तरह से लिखूं मैं कि लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, मैंने जनरलाइज कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस तरह से यहां पर टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस, जिस तरह से पी एक्स इजिकल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स है, उसी तरह से मैंने पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसे अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो जिस तरह से इसका जो जीरोज मिला वो आपको क्या मिला, एक्स इजिकल टू थ्री मिला और वन मिला, इसी तरह से इसका जीरोज मैंने लिया, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ठीक है बच्चों, तो इसको इस फॉर्म में राइट करूं तो देखिए ध्यान से, एक्स जब हम लोगों का थ्री और वन आया, जीरो आया, तो हम लोग इस फॉर्म में राइट किया, हम लोग यहाँ पर क्या है, टू है, एक्स माइनस थ्री है और एक्स माइनस वन है, तो क्या मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एन प्लस सी इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा यहां पर मैं राइट कर रहा हूं के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, इसको ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, ऐसा मैंने क्यों लिखा, अब उसको आपको ध्यान से देना है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए, अब यहां पर टू जो है, देखिए ध्यान से, टू जो है इस के को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग के पढ़े थे कि नॉन जीरो रियल नंबर, और यहां पर एक्स माइनस ये आपके अल्फा है और यहां पर आपके बीटा है। ठीक है, ये जो x है ये क्या है, जीरोज है ना, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है, अल्फा थ्री है और बीटा वन है, तो इस तरह से इसको जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग, के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, अच्छा तो समझ में आ गया होगा, तो इसी को जनरलाइज किया गया के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा ये मिलेगा, तो इसको फाइनली हम लोग राइट करेंगे इस तरह से, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए इस तरह से हम लोगों को मिल गया, अब यहां पर कंपेयर कीजिए,
ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। अब ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अगर इसको आप कंपेयर कीजिएगा तो कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, कंपेयर करने से आपको क्या मिलता है, यहां पर अल्फा प्लस बीटा, देखिए ध्यान से, ये अल्फा प्लस बीटा को अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको मिलता है माइनस बी। अल्फा प्लस बीटा यहाँ नेगेटिव है, इसलिए ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, यहाँ पर माइनस। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा आपको क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर सी मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए के है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ के है, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर सिंगल है, ठीक है ना, यहाँ पर जबकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर ए अगर कॉमन ले लिया जाए तो यो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से हम लोगों को बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से जब हम लोग बन गया और उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये जो ए है इस ए को रिप्रेजेंट करेगा, और अल्फा प्लस बीटा जो है इस बी बाई ए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा बी बाई ए और यहाँ पर आ जाएगा सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हम लोगों को मिला। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम लोग को जो ये जो बी मिला, ये बी क्या है, ये बी हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करूं जो कि आपका गिवन है, तो ये बी जो है इसको हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे जो दिया हुआ सी, सी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये आपके हो गए कॉन्स्टेंट, और बाई ए हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा प्रीवियस में ले जाता हूं तब समझ, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो ए है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी आपके कॉन्स्टेंट है, इसी को तो मैंने राइट किया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आ गए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बी और ए का वैल्यू और सी बाई ए का वैल्यू कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नेगेटिव्स है इसी नेगेटिव को यहाँ पर होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो ये आपका जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये आपका हो। इस अल्फा प्लस जो बीटा है ये क्या है, जीरोज है, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है बच्चों, तो सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, और इसको हम लोग याद रखने के लिए इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया, सी बाई ए हो गया, ये आपको याद रखना है। पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, इस मेथड वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग जीरोज जो है वो अल्फा इज इक्वल टू थ्री आया था और बीटा इज इक्वल टू वन आया था, तो जीरोज को हम लोग और कोफिशिएंट को वेरीफाई करने के लिए अगर हम लोग इसका यूज करें तो अल्फा इज इक्वल टू थ्री और बीटा इज इक्वल टू वन मिला था हम लोगों को। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, थ्री प्लस वन, ये आपका फोर मिला, और ये आपका कितना है, माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू आपका कितना है, b का वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके b है, तो b का वैल्यू हो गया माइनस एट, और a का वैल्यू आपका कितना है, a, ये आपके टू है, तो देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस, तो इसका भी रिजल्ट आपका जो है एट बाई टू इज इक्वल टू फोर, तो देखिए ध्यान से इस फोर को इससे मैच कीजिए तो देखिए ये आपके टू हो गए, ये वेरीफाई हो गए। ठीक है बच्चों, ये वेरीफाई हो गए। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से, यहाँ पर राइट कर लीजिए कॉन्स्टेंट और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर राइट कर लीजिए आप सी बाई ए। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका थ्री है, बीटा आपका वन है, सी देखिए, सी आपका कितना है, सिक्स है, यहाँ सिक्स राइट कर दीजिए, ए कितना है, टू है, यहाँ पर टू राइट कर दीजिए, और दोनों को देखिए कंपेयर करके तो देखिए थ्री टू जो सिक्स आता है, देखिए ये मैच कीजिए, ये आपका इक्वल हो रहा है, तो ये आपका वेरीफाई करने का ये आपका प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं।
तो यहां पर देखिए जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का भी एक क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, आपको जीरोस भी फाइंड आउट करना है और वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, हम लोगों को क्या करना है फैक्टराइज कर लेना है। ये आपको फैक्टर कर सकते हैं आप 5x प्लस 2x और प्लस 10। देखिए 5 टू जा 10 और 5 बाय 2 आपका 7 आ गया, ठीक है। तो आप इसको फैक्टर कर लीजिएगा, ये आपके हो जाएंगे x प्लस 2, ठीक है ना। 5 टू जा 10 एंड 5x एंड 2x एंड x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से x प्लस 5 और x प्लस 2 आपको मिल गया। जीरोस फाइंड करने के लिए बाय जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल से आपका पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो x प्लस फाइव एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या मिला माइनस फाइव एंड माइनस टू, ये आपके जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब इस जीरोस को आपको क्या करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। तो इसको अगर वेरीफाई कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका वेरीफाई अगर आप करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स एंड प्लस टेन है। यहाँ पर हम लोगों का अगर कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, मैंने इसको कंपेयर करने के लिए ऐसा लिखा, तो इसका जो वैल्यू है क्या क्या मिल रहा है ध्यान से देखिए। तो हियर ए इज इक्वल टू वन है, यहाँ पर कोफिशियंट वन है, ठीक है बच्चों। बी इज इक्वल टू आपका सेवन है और सी इज इक्वल टू आपका टेन है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये आपका अल्फा है और ये आपका, वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लोगों क्या मिला था माइनस बी बाई ए मिला, याद है कि नहीं, भूल गए, दिखाता हूं मैं अभी। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसको हम लोगों ने कोफिशिएंट में ऐसा राइट किया था, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग ऐसा राइट किया था, ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आ जाता हूं मैं स्लाइड में, हाँ। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी बाई ए और इसको हम लोग ए लिखे, और इसको आप राइट कर सकते हैं, है ना, माइनस और बी, बी आपका ये है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और इसको राइट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या मिला था माइनस फाइव, यहाँ पर माइनस फाइव राइट कर दीजिए माइनस फाइव, और बीटा का वैल्यू माइनस टू है, यहाँ पर माइनस टू राइट कर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है सेवन है, सेवन राइट किया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कितना है वन है, यहाँ पर वन राइट कर। अब इन दोनों को ऐड करने से क्या सेवन नहीं मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने से यही तो आपको तो मिल रहा है, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया और सेटिस्फाई हो, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कीजिए आप, तो प्रोडक्ट आपका ये हो गया सी बाई ए, सी को हम लोग क्या लिखते थे कॉन्स्टेंट, और ए मेरा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अल्फा माइनस फाइव है, बीटा मेरा माइनस टू है, ठीक है बच्चों। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मेरा सी का वैल्यू टेन है, तो यहाँ टेन हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए है और ए का वैल्यू आपका वन है, यह वन आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए टेन इज इक्वल टू टेन, यही तो आपका वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रूफ होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलीनोमियल्स में लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का रिलेशनशिप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूबिक और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन में करूंगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू को आपको करना है, करके उसके बाद आप कमेंट्स में बताइए कि इसका जीरोस क्या होगा, कमेंट्स आपको करना है इसका जीरोस क्या होगा, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूले, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।